नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अन अकेडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स हैं और रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर क्लासेज आपको रात्रि 9 बजे अवेलेबल होती है। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना गोल RPSC सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या मिलता है, रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अन अकेडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपना आपको इवेल्यूएट कर सके इसलिए अन अकेडमी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस कोर्स और फ्री कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती है। और प्लस कोर्स में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप जो है सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो जरूर ज्वाइन करें। और 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने आपको यहाँ पर फ्री अवेलेबल होता है। कुछ टेस्ट सीरीज है इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद में अनलिमिटेड एक्सेस आपको अवेलेबल है। कुछ न्यू बैच कोर्सेज जो है चल रहे हैं RS के लिए, RS क्रैश कोर्स, RS प्रीलिम्स के लिए, RS मेंस के लिए, तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन कोर्स चल रहा है एक पटवारी के लिए तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज ही से शुरू हुआ। और जो स्टूडेंट UP MP बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन को एक साथ में करना चाहते हैं वो 10BB कोड के साथ में 10BB रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10BB कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सारे राजस्थान के एग्जाम का एक्सेस मिलेगा। साथ ही 1 साल का कोर्स जो हमारा 7,000 रुपये का है और 2 साल का कोर्स जो है 8,400 का, इसमें भी अगर आप 10BB कोड का उपयोग करेंगे तो आपको ये कोर्स 6,300 और 7,560 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा से बना? मानसून शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर कौन से भाषा से हुई है? अरबी, लैटिन, फारसी और इनमें से कोई नहीं। और जितने भी यहाँ पर आप जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। मानसून शब्द की उत्पत्ति इनमें से कौन सी भाषा से हुई है आपको ये बताना है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है और मौसम तो ये हमारा हो गया एक अरबी शब्द। वही मौसम का अर्थ होता है पवनों का, ऋतुओं के अनुसार, उलट जाना, पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना ये हमारा अर्थ होता है मौसम का। मतलब मानसून का अर्थ भी यही हो गया, पवनों का ऋतुओं के अनुसार विपरीत हो जाना। मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पर पवन दक्षिण पश्चिमी चलती है तो वही शीत ऋतु में इसको ये हमारी है उत्तर पूर्व, मतलब कि एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। पवनों का ऋतुओं के अनुसार उलट जाना यही हमारा क्या कहलाता है, मानसूनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा जो है इनमें से कौन सी है ये आपको बताना है।
कम वर्षा रेखा जो दो भागों में बांटती है, तो यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो ए आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे। राजस्थान में होने वाली माहवट के बारे में असत्य कथन को चुनना, ये जरूर ध्यान रखिए आप, असत्य कथन जो है उसको उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर असत्य है? तो असत्य की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो डी जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पर डी जो है मावट के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है, मावट के साथ में जो है नहीं होती मूसलाधार वर्षा। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। मावट से सर्वाधिक फायदा व सर्वाधिक नुकसान किस फसल को होता है? सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान जो है यहाँ पर इनमें से किस फसल को होता है, ये आप लोगों को बताना है। महावट से सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो महावट से सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान जो है यहाँ पर गेहूं व धनिया। बिल्कुल डी जिन्होंने भी आंसर दिया है यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, गेहूं व धनिया। राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो इनमें से वह कौन सा समय है जब राजस्थान में महावट का आगमन होता है? सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर और दिसंबर जनवरी। राजस्थान में महावट का आगमन कब होता है? तो दिसंबर जनवरी। बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, दिसंबर जनवरी। सर्दियों में जो वर्षा होती है वही महावट कहलाती है। राजस्थान में महावट होती है, इनमें से किसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में महावट होती है? उपोष्ण चक्रवात से, शीतोष्ण चक्रवात से, भूमध्य रेखीय चक्रवात से और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो महावट किसके परिणाम स्वरूप होती है राजस्थान में? तो राजस्थान में महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हम बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, शीतोष्ण जो है चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे जो है महावट से रिलेटेड ही है। राजस्थान में महावट होती है हिमालय की ठंडी हवाओं से, भूमध्य रेखीय ठंडी पवनों से, उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवनों से और पश्चिमी ठंडी पवनों से। तो राजस्थान में महावट जो है इनमें से किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो राजस्थान में महावट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल जो यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं पश्चिमी ठंडी पवने, बिल्कुल सही आंसर है आपका। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वह कौन सा जिला है जो सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर करता है, होती है जहाँ पर? सर्वाधिक वर्षा की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हमारा झालावाड़ है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं, झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर।
सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जो है इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह जैसलमेर में है। जैसलमेर में जितनी दिन में गर्मी पड़ती है उतनी ही रात में सर्दी हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है? वह कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर का है, ये बताना आपको। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर हम बात करूं तो पश्चिमी क्षेत्र है। बिल्कुल बी सही आंसर है आपका। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर होता है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आपको पता है यहाँ पर थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल है। बी बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, तो इनमें से वे कौन सा जिला है जो सबसे अधिक गर्म है, उसका बताना है आपको। सर्वाधिक गर्म जिले की अगर हम बात करें, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चूरू सबसे गर्म जिला है हमारा। लू के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ये आपको बताना है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क प्रचंड गर्म हवा है, ये थार के मरुस्थल में चलती है। सामान्य गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक स्थायी पवन। तो सही नहीं कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एक स्थायी पवन नहीं है, यह एक स्थानीय पवन। पहली चीज स्थानीय पवन है और यह सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में चलती है, ना कि शीत ऋतु में। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थायी पवन का मतलब जो है हमेशा चलती रहती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? हमारे राजस्थान में इनमें से कौन सी जलवायु नहीं मिलती हमको? ध्रुवीय, अर्ध शुष्क, शुष्क और आर्द्र। यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सी जलवायु नहीं पाई जाएगी हमारी यहाँ पर, तो राजस्थान में हमारे यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु नहीं मिलती। बिल्कुल ये सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। कोपेन की जलवायु प्रदेश, जो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया तो उन प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या था, ये आप लोगों को बताना है। वायुताप, वर्षा, धरातल और वनस्पति। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति है। डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण, तो इनमें से कौन सा कारण है हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का? ग्रीष्मकालीन मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, पछुआ पवने और पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में जो वर्षा होती है हमारा, उसका प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल जो भी आप डी आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। तो राजस्थान में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में हमारे?
तो औसत वर्षा कितनी होती है राजस्थान में? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सही, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे आद्र जिला, तो इनमें से वह कौन सा जिला है राजस्थान का जो सर्वाधिक आद्र है? जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही और झालावाड़। तो आद्र जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ जो है सबसे आद्रता युक्त जिला। महावट इनमें से किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, मानसूनी पवने और उपरोक्त सभी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो महावट जिससे होती है, तो महावट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महावट पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का औसत कम होता है, किस दिशा की ओर कम होता है ये आपको बताना है। तो औसत कम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है औसत कम होता जाता है, घटता जाती है वर्षा की मात्रा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है? जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है हमारे राजस्थान में आता है, उससे कितने प्रतिशत वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 80 से 90%, सर्वाधिक वर्षा उसी से होती है। शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हमारा ये रहता है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन से जिले में प्रवेश करता है? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? जालोर, बांसवाड़ा, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर तो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान का दक्षिणी छोर कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 29 दिन वर्षा होती है। राज्य में जिला स्तर पर राज्य में जिला स्तर पर सर्वाधिक 40 दिन झालावाड़ में और 38 दिन बांसवाड़ा में और सबसे कम 5 दिन जैसलमेर में वर्षा होती है, और डी सभी कथन सत्य। तो
बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे सही है, डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राजस्थान का जो है कृषि जलवायु खंड कौन सा है इनमें से? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, किंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शुष्क पश्चिमी मैदान सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा कृषि जलवायु खंड के बारे में पूछा गया। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कौन से देश से थे? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो व्लादिमीर कोपेन जो है इनमें से कौन थे? तो व्लादिमीर कोपेन जो है यहाँ पर कहाँ से थे? तो व्लादिमीर कोपेन एक जलवायु वेता जर्मनी से थे। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं? झालावाड़ और जयपुर, सीकर व झुंझुनू, करौली व दौसा, भरतपुर व धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान जो है यहाँ पर कौन से जिलों से आते हैं? तो उसकी अगर हम बात करें तो झालावाड़ व जयपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारा सही आंसर। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? वे कौन से जिले हैं राजस्थान के जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमको सागवान मिलेंगे? डूंगरपुर व उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़, सिरोही व उदयपुर। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? तो सागवान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सागवान सर्वाधिक होते हैं डूंगरपुर व उदयपुर में। बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है ये आप लोगों को बताना है। काली मुसली, सालर, अर्जुन और शंख पुष्पी। हृदय रोग के लिए इनमें से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? तो अर्जुन बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं सी। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन राजस्थान के 58.19% क्षेत्रफल पर है। मिश्रित पतझड़ वाले वन क्षेत्र में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उपरोक्त सभी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का जो है यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? सही की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है राजस्थान के चूरू में है न कि जैसलमेर में। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा दिन थे, दिन है उस दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 28 जनवरी, 15 फरवरी और 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? और आप जितने भी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है क्लास में। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है? सही स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं, दूसरा वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, तीसरा वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं, चौथा वन वायु को प्रदूषित रहित व स्वच्छ रखते हैं, और पांचवा ये मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर सारे स्टेटमेंट चार आप जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर है हमारा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था, तो इनमें से वे कौन सी सन व तिथि है, महीना जब राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया जाता है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है, तो वन मंडलों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 8, 10, 12 और 14। कितने वन मंडल है हमारे राजस्थान में? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि भारत की। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 वन मंडल हैं। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मानसूनी वन, विषुवतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। बबूल के वन आप सभी लोगों को पता है मरुस्थलीय वन है, हमारे राजस्थान में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुगंधित घास जिसे पशु नहीं खाते हैं उसकी सुगंध के कारण? मोतियों, सुगनी, उपरोक्त दोनों और सेवन। तो इनमें से वे कौन से सुगंधित घास हैं जिसे पशु नहीं खाते हैं? तो पशु जो है यहाँ पर मोती और सुगनी नहीं खाते। खस व पामरोजा निम्न में से किस जगह पर पाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सी जगह है जहां पर खस व पामरोजा मिलता है? नाथ द्वारा, लाठी क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र और नागपुर क्षेत्र। तो खस व पामरोजा हमको मिलता है भरतपुर क्षेत्र में। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु मतलब कि जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इनमें से कौन सा है हमारा इंडिया का? कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है और पॉइंट कोलिमोर।
भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु या सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंदिरा पॉइंट ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रेट निकोबार पर। कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा, मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट जो है हमारे, उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही स्टेटमेंट की अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हाई प्रेशर बेल्ट से जो है मेडिटेरियन सी की ओर जो चलती है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवन है, समुद्री पवन है और इनमें से कोई नहीं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली हमारी पवन कौन सी है? तो उन पवनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यापारिक पवन ट्रेड विंड जो है हमारी कहलाती है। वह हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? सोप मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। हवाई जहाज इनमें से वह कौन सा मंडल है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? हवाई जहाज जो है हमारे यहाँ पर समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप नाम से पता चलता है, जहाँ तापमान समान रहता है, वायुयान जो है वहां पर उड़ान भरते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो इनमें से वे कौन सी है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है? सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है आप लोगों को बताना है? सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोप मंडल, ट्रोपोस्फियर, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और इनमें से कोई नहीं। चक्रवात जो होते हैं उनकी आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है ये आपको बताना है। चक्रवात की आकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार, बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र, जो चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है मध्य में, वह क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र,
और गर्भ। चक्रवात का शांत क्षेत्र इनमें से क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्भ। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है यहाँ पर चक्षु कहलाता है, ये हमारा सही आंसर होगा चक्षु। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? इनमें से कौन से सन में स्वेज नहर का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है? और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्वेज नहर का निर्माण इनमें से कौन से सन में होता है? 1905 में, 1854 में, 1897 में, 1899। स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण यहाँ पर होता है 1854 में। बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? इनमें से वे कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? टू नहर, पनामा नहर, कील नहर और स्वेज नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कील नहर होगा, सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। रा नहर कौन से देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है इनमें से कौन से देश में है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत। क्रा नहर कौन से देश में स्थित है? बिल्कुल थाईलैंड में स्थित है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, इनमें से विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, कील नहर, टू नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर बिल्कुल स्वेज नहर, ये हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी? तो इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और इनमें से कोई नहीं। इनमें से आर्मेनिया की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो कौन सी झील है जो तंजानिया व युगांडा के मध्य है? मलावी झील, चाड झील, विक्टोरिया झील और इनमें से कोई नहीं। कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है? तो लेक विक्टोरिया,
इनके मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा युगांडा व तंजानिया के मध्य। तो आप जरूर ध्यान रखना, विक्टोरिया जो लेक है तीन देशों में है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील कौन से देश में, वॉन झील कौन से देश में है आप लोगों को बताना है, चीन में, तुर्की में, इराक में और फ्रांस में। तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वॉन झील कौन से देश में है, तो वॉन झील जो है तुर्की में है, बी हमारा सही आंसर होगा तुर्की। तेज नहर की लंबाई कितनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर की लंबाई है हमारे तेज नहर की, 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर और 98 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 168 किलोमीटर की लंबाई है स्वेज नहर की, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है, तो इनमें से वे कौन सी नदी है राजस्थान की जिसे हम रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं, वाकल, खारी, बाणगंगा और कोठारी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। पंडित सरिता के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित सरिता के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल बाणगंगा को जाना जाता है। सी जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर बाणगंगा सही आंसर है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाती है, तो इनमें से वे कौन सी नदी है, माही, काली सिंध, चंबल और लूनी। वह कौन सी नदी है, तो माही नदी जो है यहाँ पर है वह नदी जो दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है पश्चिम की ओर मुड़ती है और वापस जो है पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग, तो इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह और आंतरिक अपवाह। इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग है, तो उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों में सही अवरोही क्रम, तो इनमें से अपवाह की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा गया है, तो ये आपको बताना है कौन सा होगा हमारा यहाँ पर।
तो अफवाह की दृष्टि से अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बनास, लूनी, चंबल और माही, राजस्थान में अफवाह की दृष्टि से आप लोगों से पूछा गया था, तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर होगा, ना कि ए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। माही जाखम, लूनी सुकड़ी, बनास मेज और चंबल पार्वती। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बनास और मेज जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कि मेज बनास की सहायक नदी नहीं है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, तो इनमें से वह कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है, मेंथा, कांतली, खंडेल और रूपनगढ़। तो यहाँ पर कौन सी नदी सांबर झील में अपना गर्म जल नहीं गिराती, तो कांतली है। अनास अराव सोम जिस नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से वह कौन सी है, माही, बनास, साबरमती और कालीसिंध। तो अनास, एराम व सोम जो है यहाँ पर माही की सहायक नदियां है, ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। तो कोसी व कालीसिंध जिस प्रवाह से जुड़ी है, तो कोसी नदी व कालीसिंध नदी जो है इनमें से कौन से प्रवाह से जुड़ी हुई है, सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कोसी व कालीसिंध नदियां जिस प्रवाह से जुड़ी हैं, इनमें से वे कौन सा प्रवाह है। उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंगा नदी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर, तो इनमें से वह कौन सी नदी है जहां पर रणकपुर जैन मंदिर आपको मिलता है, माही, गंभीरी, बेडच और मथाई। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से नदी के तट पर है ये आप लोगों को बताना है। तो रणकपुर का जैन मंदिर हमारी मथाई नदी के तट पर है, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल डी जो आंसर दे रहे हैं, आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है, बनास, चंबल, कालीसिंध और लूनी।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर कौन सी नदी पर किया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण यहाँ पर, बिल्कुल चंबल जो आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही मतलब जो है यहाँ पर कौन सा युग्म सही है? कांठल की गंगा और नदियों के लिए, कामधेनु के लिए, बनास व कालीसिंध, लूनी व परबन, जोजरी व बाणगंगा, माही और चंबल। कांठल का गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर डी जो है हमारा, यहाँ पर माही और चंबल जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं? तो इनमें से वह कौन सा जिला है जहां पर चंबल नदी नहीं है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वे कौन सा जिला है जहां पर चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ जो है हमारे यहाँ पर, वहां से चंबल नदी नहीं गुजरती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? इनमें से वे कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? गग्गर, कंकाती, हारी और इनमें से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाले नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी नदी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नदी नहीं बहती। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल, मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़िया और अरावली पर्वत श्रृंखला। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है यहाँ पर, सॉरी मानस वाकल नदी का जो है उद्गम स्थल आप लोगों से पूछा गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ियां और अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मानस वाकल नदी के उद्गम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सी आंसर होगा हमारा, गोगुंदा की पहाड़िया, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट यहाँ पर कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम और चंबल। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो माही नदी प्रवेश करती है। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, माही। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर, झालावाड़, मध्यमिका, झालरापाटन और बूंदी। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ नगर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं आप, झालरापाटन।
जवाई नदी लूणी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूणी नदी में जो है किस ओर से मिलती है, तो मतलब कि जवाई नदी जो है यहाँ पर लूणी की जो सहायक नदी है लूणी में किस ओर से मिलती है, दाई ओर से, बाई ओर से, उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से। जवाई नदी जो है लूणी नदी में किस दिशा से मिलती है, जवाई नदी लूणी नदी में जो है लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, बाई ओर से मिलती है। वाकल, सेई, बथमती, मेसवा, बेतरक एवं माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ, तो ये नदियाँ जो है यहाँ पर इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और मानसी। वाकल, सेई, हतमती, मेसवा व वेतरक। उसके अगला आंसर की अगर हम बात करें तो बी, बिल्कुल ये साबरमती की हमारी सहायक नदियां है, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कोटा बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, वह कौन सी नदी है जो कोटा और बारा की सीमा बनाकर बहती है, आहू, कालीसिंध, परमन और पार्वती। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी, इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो काली सिंध नदी जो है कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहती है। चंबल नदी की सहायक नदियां, निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है, तो ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, पर इनमें से कौन सी सबसे पहले चंबल में मिलती है, छोटी काली सिंध, परवन, पार्वती और सीन। चंबल नदी की सहायक नदी निम्न नदियों में से कौन सी सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलती है, इनमें से सबसे पहले चंबल नदी में मिलने वाली नदी जो है यहाँ पर छोटी काली सिंध है, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी, तो इनमें से वे कौन सी नदी है जो गोगुंदा के पठार से होकर बहती है, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और कोठारी नदी। तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न करेंगे हमारे। निम्नलिखित में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है, तो गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी जो है यहाँ पर बनास नदी, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 10BB मेरा रेफरल कोड है, अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के समय चाहे 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और साथ ही फ्री स्पेशल क्लासेज अगर आपको देखनी है तो आप मेरे रेफरल कोड 10BB के साथ में अनअकैडमी पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक।